मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राजिक अल्लाह, मेरा मुहाफिज अल्लाह, मेरा मददगार अल्लाह, मेरा पुष्ट पनाह अल्लाह, मेरा दोस्त अल्लाह। ये दोस्ती है अल्लाह की, जो लुबे लुबाब है, हासिल है ईमान का, इसी का नाम विलायत है। औलिया अल्लाह के सरों पर सींग नहीं होते। जिसके दिल में ईमान राशिख हो चुका हो वही अल्लाह का वली है। जिसे अल्लाह पर यकीन हो चुका है वही अल्लाह का वली है। जिसे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है, मेरा मददगार, मेरा पुष्ट पनाह, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा महबूब, मेरा मुहिब, अल्लाह अहले ईमान से मोहब्बत करता है। والله يحب الصادقين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص। अल्लाह मोहब्बत करने वाला, अहले ईमान महबूब, और अहले ईमान मोहब्बत करने वाले अल्लाह महबूब। والذين امنوا اشد حبا لله। आप तसव्वुर कीजिए, जिसे ये रिश्ते ईमान या रिश्ते विलायत हासिल हो जाए, अला ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون। आगाह हो जाओ, अल्लाह के दोस्तों के लिए ना कोई खौफ है ना कोई हुज्न है। और मैं बयान कर चुका था, खौफ और हुज्न के खात्मे ही का नाम अमन है। जवाल खौफ, जवाल हुज्न। ये खौफ और हुज्न क्यों आते हैं बार बार? अल्लाह तखाफू वला तहजनू, दोनों आ गए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर वही दो, वो क्यों है? खौफ होता है किसी मुस्तकबिल की बात का, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये नुकसान ना पहुंच जाए, ये तकलीफ ना हो, ये गजन ना आ जाए, खौफ है मुस्तकबिल से। हुज्न है, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरा फला चीज मेरे हाथ से जाती रही है, फला मौका निकल गया, अब बैठे हुए हैं अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, सदमा है और रंज है। और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो जानता है, मा साब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अन्फुसिकुम इल्ला फी किताब मिन कबल अन नबराहा इन्न ज़ालिक अलल्लाहि यसीर लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर। इस जमीन में या तुम्हारी जानों में कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने लिख दी हो इससे पहले कि वो जाहिर हो। जिसको ये हकीकत मालूम हो गई, उसको ये तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, जो चीज छिन जाए, जाती रहे, छूट जाए, उस पर अफसोस ना करो। किसने छीनी? दोस्त ने। दोस्त के फैसले पर शिकायत? दोस्ती को बट्टा लगा रहे हो? सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अगर दोस्ती है तो फिर तो तुम्हें गर्दन झुकानी चाहिए कि हर चे साकी मारीख तैन अल्ताफस्त, जो भी मेरा साकी मेरे प्याले में डाल दे उसका करम है। जो उसकी तरफ से आए उस पर कोई रंज नहीं, कोई सदमा नहीं, कोई गम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। और जो होगा वो उसके इज्न के बगैर नहीं होगा, और उसका इज्न होगा तो यकीनन मेरे लिए खैर ही खैर है। चाहे वो नागवार शय हो, बज़ाहिर मुझे अच्छी ना लग रही हो, मेरी शॉर्ट साइटेडनेस में मुझे वो नजर आ रही है कि मेरे लिए बुरी है, लेकिन कुरान ने कहा है आसान तक रहू शयन वह खैरुल लकुम वासान तो हिब्बू शैयन वह शरुल लकुम वल्लाहु यालम वअंतुम ला तालमून। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, दरा हाले के उसी में तुम्हारा खैर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, दरा हाले के उसमें तुम्हारा शर हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जब मुझे ये बात मालूम हो गई, मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया, सुपुर्दुम बे तो माया खेशरा तो दानी हिसाब कमो बेशरा, ए रब जो तू चाहता है वो हो, तेरे इल्म में जो शय मेरे लिए खैर है वो हो जाए, मेरी कोई पसंद नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, ये है राजी बरज़ाए रब। अकबर अलाबादी ने इसे कहा है, रज़ाए हक पे राजी रहे, ये हर्फ़े आरजू कैसा, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा।